Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest updates. नमस्कार, मैं पिंटू सिंह यादव, आप सभी का स्वागत करते हैं न्यूज लाइव में। दोस्तों, यूपी में 2022 में चुनाव है, चुनावी बिगुल फूंक दिया गया है, हर पार्टियां चुनावी प्रचार में जुट गई है। समाजवादी पार्टी साइकिल यात्रा कर रही है, तो वहीं ओवैसी की पार्टी भी लगातार यूपी चुनाव में सक्रियता दिखा रही है। ओम प्रकाश राजभर का अलग ही चाल है, तो वहीं मायावती ब्राह्मण रैलियां करके ब्राह्मणों का जो वोट है वो अपने पक्ष में खींचने की कोशिश कर रही है। तो वहीं प्रियंका गांधी कांग्रेस पार्टी को संभालने के लिए वो भी शिरकत करती नजर आ रही है। लेकिन एक बात तो आपको पता होगा कि जब भी चुनाव आता है, नेता जो है वो आश्वस्त फील करते हैं, किसी और पार्टी में जाते हैं, किसी और पार्टी में जाकर सोचते हैं कि वहां से मैं चुनाव जीत जाऊंगा, यहां से लड़ूंगा तो चुनाव जीत जाऊंगा, इस पार्टी में जाऊंगा तो टिकट मिल जाएगी, और ऐसी तमाम चीजें चुनाव से पहले आप सभी को देखने को मिलती होगी। लेकिन उत्तर प्रदेश का चुनाव हो, उत्तर प्रदेश में मुस्लिम की चर्चा ना हो और खास करके मुख्तार अंसारी जो बंधु हैं उनकी चर्चा ना हो, ये कैसे हो सकता है? तो आज की वीडियो में उन्हीं पर बताने वाला हूं। दरअसल आपको पता है कि समाजवादी पार्टी में जो मुख्तार अंसारी है, उनके बड़े भाई सिबकतुल्ला अंसारी, जो कि पूर्व विधायक रह चुके हैं, वो अपने बेटों के साथ समाजवादी पार्टी के दामन में चले गए हैं, यानी कि समाजवादी पार्टी का हाथ जो है वो थाम लिए हैं। तो वहीं ये भी कहा जा रहा है कि मायावती, यानी कि जो बहुजन समाजवादी पार्टी की सुप्रीमो हैं, वो उनके बड़े भाई अफजाल अंसारी को भी बाहर का रास्ता दिखा सकती हैं और 2024 के लोकसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी से वो भी चुनाव लड़ सकते हैं और बहुजन समाज पार्टी से बाहर हो सकते हैं। तो वहीं खूंखार बाहुबली मुख्तार अंसारी को लेकर भी मायावती ने जिस तरीके का एक्शन लिया था, यानी कि मायावती ने ये लिए फैसला लिया था कि अब बहुजन समाज पार्टी से कोई भी बाहुबली नेता चुनाव नहीं लड़ेगा, जिसको लेकर मुख्तार अंसारी को बाहर का रास्ता दिखा दिया, जिसके बाद से कयास लगाए जा रहे हैं कि आखिरकार मुख्तार अंसारी किसके तरफ जाएंगे, कौन सी पार्टी से चुनाव लड़ेंगे, और मुख्तार अंसारी को अपने पाले में लेने के लिए तमाम कई सारी पार्टियां जो है वो सामने आ चुके हैं, जिसमें कि AIMIM के सुप्रीमो असदुद्दीन ओवैसी हैं। ओवैसी का कहना है कि मुख्तार अंसारी मेरे पार्टी में आए, मेरे पार्टी से चुनाव लड़ें, उनको मैं टिकट दूंगा। तो वहीं ओम प्रकाश राजभर भी लगातार जाल बिछाने की कोशिश कर रहे हैं और उनका ये कहना है कि वो माफिया बाहुबली नहीं है, बल्कि वो भगवान है, और शायद इसी वजह से वो 5 बार से लगातार चुनाव जीतते आ रहे हैं और जनता जो है वो उन पर भरोसा कर रही है, जिसको लेकर तमाम कोशिशें लगाई जा रही है कि क्या ओम प्रकाश राजभर के पार्टी से मुख्तार अंसारी चुनाव लड़ेंगे। लेकिन मुख्तार अंसारी भी चालाक है, मुख्तार अंसारी भी विधायक रह चुके हैं, राजनीतिक पकड़ जानते हैं कि आखिरकार कौन से राजनीतिक पार्टी से चुनाव लड़ा जाएगा तो हमें जो है जीत सुनिश्चित हो जाएगी, और ओम प्रकाश राजभर और ओवैसी की पार्टी में वो दम नहीं है जिसकी वजह से मुख्तार अंसारी चुनाव लड़ लें। लेकिन जिस तरीके से उनके बड़े भाई सिबकतुल्लाह के बेटे जिस तरीके से समाजवादी पार्टी में शामिल हो रहे हैं, उसको लेकर लोगों द्वारा कयास लगाया जा रहा है कि चुनाव से पहले समाजवादी पार्टी के टिकट से ही मुख्तार अंसारी चुनाव लड़ेंगे और समाजवादी पार्टी उनको चुनावी मैदान में उतारेगी। खैर, अब चुनाव नजदीक है, देखना दिलचस्प होगा कि आखिरकार मुख्तार अंसारी चुनाव लड़ पाते हैं या फिर नहीं लड़ पाते हैं। नहीं लड़ पाते हैं तो इसकी वजह क्या है, और अगर लड़ते हैं तो आखिरकार वो कौन से पार्टी से चुनाव लड़ेंगे, ये बेहद देखना दिलचस्प होने वाला है। खैर, आपकी क्या राय है, क्या मुख्तार अंसारी को कौन सी पार्टी से चुनाव लड़ना चाहिए या फिर उन्हें फिर से विधायक का चुनाव नहीं लड़ना चाहिए, ये हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। जानकारी पसंद आई तो लाइक कमेंट शेयर करिए, और चैनल को पसंद करते हैं तो सब्सक्राइब करके जरूर जुड़िए। अगर आप मुझसे जुड़ना चाहते हैं तो आप मुझे फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर जाकर पिंटू सिंह यादव सर्च करके जरूर जुड़े, नहीं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां जाकर आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest updates.